स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम की बहुत ही बड़ी रिजर्व्स इंडियन गवर्नमेंट को मिली है, जो वहाँ पे कई वक्त से इसकी रिसर्च में लगे थे। तो इसी पर वर्ल्ड अफेयर्स वाले प्रशांत जी का वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कहाँ पे मिली है और कितने रिजर्व्स है और इससे हमारे हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। और मुझे लगता है ये बात सुनकर पाकिस्तानियों को अब और ज़्यादा कश्मीर कश्मीर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये रिजर्व्स मिले हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लिटरली इसको हमें जैकपॉट ही कहना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भारत को मिला है लिथियम। ये इतिहास में पहली बार है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री हमें बड़े स्केल पर लिथियम के रिजर्व्स मिल चुके हैं जम्मू कश्मीर में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत लंबे समय से यहाँ पर रिसर्च करी, डिस्कवरी में फाइनली हमको ये पता लगा है कि लिथियम का ना इतना सारा भंडार है यहाँ पर कि इंडिया की बहुत सारी जो नीड्स हैं, बैटरीज बनाने की, इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की, सब जम्मू कश्मीर से पूरी हो सकती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेट, मुझे याद आ रहा है कि 2021 में भी एक न्यूज आई थी कि कर्नाटका में लिथियम मिला है। देखिए, वो जो लिथियम था जो कर्नाटका में मिला था, बहुत कम क्वांटिटी का था, सिर्फ 1600 टन। और ये 1600 टन का लिथियम भी हम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन थी नहीं। मगर जम्मू कश्मीर में जो लिथियम हमको मिला है, इट इज मैसिव। क्वांटिटी बताई जा रही है यहाँ पर 5.9 मिलियन, मतलब के ऑलमोस्ट रफली आप कह सकते हैं 60 लाख टन का लिथियम यहाँ पे मिल चुका है। और 5.9 मिलियन को अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें, बाकी कंट्रीज से तुलना करके देखें, तो इतना लिथियम मैं आपको बता दूं दुनिया में बहुत कम देशों में है। चाइना में भी आपको इतना लिथियम नहीं मिलेगा। चाइना में भी आप अगर देखोगे तो 2 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास लिथियम है। तो इंडिया की जो डिस्कवरी है उससे आप कह सकते हैं सिर्फ चिली जो देश है ना, इसके पीछे आ चुका है इंडिया। इंडिया के पास सेकेंड हाईएस्ट रिजर्व है लिथियम का, एटलीस्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डिस्कवरी के हिसाब से। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत को इससे क्या फायदा होगा, हम इसको कैसे यूज कर पाएंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने भारत को एक सैटेलाइट थमाई है जो इंडिया और उस कंट्री ने मिलके बनाई है। सैटेलाइट का नाम है निसार। ये सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। आपको बताना है कि इंडिया ने सैटेलाइट किस कंट्री के साथ मिलके बनाई है, जापान, यूएसए, इसराइल या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिथियम का इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है हमारी जिंदगी में। लिथियम को आज के समय हम कहते हैं व्हाइट गोल्ड, जिस तरीके से क्रूड ऑयल कच्चा तेल है उसको हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड, काला सोना, वैसे ही लिथियम है सफेद सोना। आप इसी बात से सोच लो कि 2019 में ना जो नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री है, ये उन 3 साइंटिस्ट को दिया गया था जिनकी रिसर्च के दम पर हमने लिथियम आयन बैटरी को बनाना सीखा था। कि इसका मतलब ये नहीं है कि लिथियम आयन बैटरी हमने 2019 से बनानी स्टार्ट करी है, उससे काफी पहले टाइम से बन रही थी। बस 2019 में जो साइंटिस्ट है इनको नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सम्मानित भी क्यों ना किया जाए, इनकी रिसर्च की मदद से ही आज के समय हम लिथियम आयन बैटरीज बना पा रहे हैं, जो आप यूज करते हो अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप्स में, कैमरास में, इवन आप देखो ड्रोन्स में यूज कर रहे हो आप, जीपीएस में, प्रीटी मच एवरीवेयर लिथियम आयन बैटरी ने आज के समय हमारे जीने का तरीका बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और इसलिए दुनिया भर में हर देश है वो लिथियम के पीछे पड़ा हुआ है कि लिथियम के रिजर्व्स कहीं से हमको मिल जाए, कहीं से लिथियम की सप्लाई 100% गारंटी हो गई ना, तो हम अपने देश में इतनी लिथियम आयन बैटरीज बनाएंगे कि दुनिया भर में इसकी इतनी खपत है वो देश एक्सपोर्ट कर करके ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। मगर सैडली बहुत लंबे समय तक इंडिया में ना काला सोना मिला ना सफेद सोना मिला। आई मीन कुछ थोड़े बहुत डिपॉजिट मिल गए कहीं पर, कुछ हजार मेट्रिक टन कहीं पे कुछ मिल गया, मगर वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी नहीं है। हमें मिलियंस ऑफ टन लिथियम चाहिए था। और इसकी खोज में हम लोग 7 समुद्र पार चले गए साउथ अमेरिका में। अब एक बार जरा ये वर्ल्ड मैप देखो, यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत हो गया। अब धरती के ना बिल्कुल उस तरफ, दूसरी तरफ, एक मिनट जरा बादल थोड़े हटा लेता हूँ यहाँ पर, हाँ हाँ, तो धरती के बिल्कुल दूसरी तरफ, ऑल द वे बैक साइड यहाँ पर पीछे ना, ये यहाँ पे यूएसए है। यूएसए के नीचे ना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जिसको हम कहते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में 3 देश यहाँ पे आपको मिलेंगे,
ये जी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये बोलीविया देश है, ये बोलीविया, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना बहुत ही फेमस कंट्री है, रिसेंटली इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप भी जीता है, और ये यहाँ पर ओके चिली है, ठीक है। अब ये जो तीन देश है यहां तक पहुंच गया भारत, हमने इन कंट्रीज के साथ दुनिया के रिलेशन लिए इंप्रूव करने स्टार्ट कर दिए, हमारे प्रेसिडेंट गए यहां पर, हमारे विदेश मंत्री गए, इनसे रिलेशन बिल्ड किए, और उम्मीद ये थी कि यहां पर ना हम माइनिंग करके क्या पता थोड़ा सा लिथियम खोज लें, और वो जो लिथियम है ना यहां से यहाँ आप से सोच कर हम भारत देखो, ला के यहां से उसकी ऑल द वे बैटरी बनाए। वापस इंडिया लेके हम आएंगे और उसकी बनाएंगे लिथियम आयन बैटरीज, ये हमारा प्लान था। और लंबे समय तक लिथियम ट्रायंगल में खोज करने के बाद, जी हाँ मैंने यहाँ पर कहा है लिथियम ट्रायंगल क्योंकि ये जो तीन देश हैं यहाँ पे बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का रिजर्व है, तो नाइन दुनिया का पॉइंट थ्री ऑलमोस्ट हर मेजर मिलियन कंट्री टन चाहे चाइना हो या फिर यूएसए हो, सब लोग यहीं पे आते हैं लिथियम की माइनिंग करने के लिए, कि क्या पता कुछ लिथियम यहाँ पर मिल जाए। बीच ये में यूएस भारत के को पास तो अच्छी नहीं खबर है मिली ना भी, हमको रिजर्व्स अर्जेंटीना लिथियम देश के। में दो लिथियम की माइन और एक कॉपर की माइन हाथ लग गई, मगर इस सब से देखो भारत की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है लिथियम की, वो पूरी होनी नहीं थी। हमें कहीं ना कहीं बहुत से दूर की बात है। मिराकल चाहिए था, हमें कहीं से एक्स्ट्रा पुश चाहिए था, वो पुश फाइनली मैं कहूंगा मिल चुका है। यहां पर आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भारत सरकार की ट्वीट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च के हिसाब से पता लगा है कि भारत में पहली बार 5.9 मिलियन टन का हमें लिथियम मिला है। ये लिथियम एग्जैक्टली है कहां पर, ये आपको मिलेगा रियासी डिस्ट्रिक्ट में और जम्मू कश्मीर, ये एक बार जम्मू मैप पे आपको कश्मीर दिखा के देता हूं, ओके और यहां पर आप देख पाओगे ये है यहां पर रियासी डिस्ट्रिक्ट, और बिल्कुल चेनाब नदी जो है यहां पे, जम्मू चेनाब नदी है, इसके पास और आपको कश्मीर मिलेगा ये में डिस्ट्रिक्ट। नहीं और है। ऑब्वियसली आप यहां पे क्वेश्चन पूछोगे कि ये इलाका जम्मू में आता है कश्मीर में आता है, प्रॉपर जम्मू में आता है, ये जम्मू में आता है 36-37 हज़ार की यहाँ पे आबादी है। और आप देखिए यहाँ पे हाँ। माइनिंग जैसे ही स्टार्ट होती है बिल्कुल ये एरिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। अब इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, देखिए मैसिव होने वाला है। पहली बात तो हम इंपोर्ट लोग कम अपने देश होगा में उससे कोशिश कर रहे एक्सपोर्ट हैं ज्यादा कि लोग बढ़ेगा। ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखिए लिथियम आयन बैटरीज की आपको आवश्यकता होगी ही। हाल ही में जो बजट आया है 2023 का बजट, इसमें फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनको सस्ता बनाने की कोशिश करी गई है, मगर सब्सिडी ये कुछ जैसे दिए ही हम होगा इंडिया में लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे, भारत में आप देखोगे कि लिथियम आयन जो भी व्हीकल्स हैं इनकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, अपने आप पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना क्योंकि चाहेगी। और बैटरीज पे अभी के लिए इंपोर्ट अगर नहीं हम करना देखें तो पड़ेगा। भारत में रफली 13 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हो रही हैं, जो भारत की आबादी के अभी हिसाब भी से कुछ कम है भी नहीं है, बिल्कुल तो अभी पोटेंशियल देखिए करोड़ों का है। तो इससे आप कह लीजिए ऑल टुगेदर एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी तो देखो दुनिया भर में लिथियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन जो है ना 500% और इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में कई देश हैं वहां पर लिथियम आयन बैटरीज की जो कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, वो पहुंचानी होगी, ताकि क्लाइमेट चेंज पे हम क्लाइमेट लोग मिलके काम पे कर सके। कोशिश पूरी दुनिया की यही है कि कोयले पर, पेट्रोल पर, डीजल पर निर्भरता कम हो, हम ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें, तो चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, हर तरफ से आप देखोगे ना तो ये डिस्कवरी किसी जैकपॉट से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि क्लीन आर्टिकल थ्री एनर्जी के सेवेंटी लिए को भी जो ये हटाया गया हमारे लिए है अच्छा है। उसका भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि सिंस आप मान के चल लीजिए अगर आज भी आर्टिकल 370 होता तो इंडस्ट्री आराम से यहाँ पे ऑपरेट करना पाती, तो सेंस आर्टिकल 370 अब हट चुका है, आर्टिकल 35A हट चुका उसके है, बाद में तो लक माइनिंग भी करना देखिए भी यहाँ पर हमारा आसान होगा, और बड़े स्केल पर हम लिथियम यहाँ से निकाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक क्रिटिकल रोल निभाएगा। और फाइनली बिल्कुल वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में निसार जो है, निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये किस कंट्री ने इंडिया के साथ मिलकर बनाई है, और इसरो बहुत ही जल्द इसको लॉन्च करने वाला है, तो सही आंसर है यहाँ पर यूएसए, पहले बोल यूएसए दिया था के ना नासा और इंडिया के इसरो ने मिलकर बनाई है निसार सैटेलाइट, बनी ये यूएसए में है, और यूएसए ने हाल ही में ये सैटेलाइट पकड़ा दी है इंडिया को, और इंडिया बहुत ही जल्द ये सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इंडिया यूएस रिलेशंस का आप कह लीजिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है, निसार सैटेलाइट ये जो टॉपिक है इन द फ्यूचर न्यूज में रहने वाला है। निसार सैटेलाइट जब लॉन्च होगी उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। इसको भाई साहब जब आसार नजर आ रहे हैं ना, हिम्मत, जज्बात, हौसले बढ़ जाते हैं। और ये देख लो पहले जो मिला है वो इतनी कम मिकदार में, और ये तो इतना ज्यादा ही मिकदार मिल गई जब एक्स्ट्रा। इसकी कोई मतलब के आसार इसके मिलने के थे ही नहीं,
तब इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं। सही बात तो भाई धड़ाधड़ बने। दूसरे कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, दूसरे कंट्री से ढूंढने गए थे, उधर से भी कुछ ना कुछ मिल गया। अब तो सात समंदर पार गए, सात समंदर वो भी इतने बड़े पैमाने पर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत ही अच्छी बात है कि हमें ये मिल गया है और आर्टिकल 370 हटने के बाद मिला है, तो ये हमारे लिए कि लकी रहे कि वो हटने के बाद ये हमें मिला, क्योंकि अगर हटने से पहले मिलता तो शायद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ के वो जम्मू कश्मीर वाले नेताओं को तो आप सब पहचानते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करते कि पूरा हंगामा करते। और इससे हमें बहुत ही बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अभी जो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हमारा फॉरेन रिजर्व्स बहुत ही खर्च होता है, तो जब हम यहाँ से माइनिंग करना शुरू कर देंगे तो वो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे रिजर्व्स भी बचेंगे और ये हम हमारी ज़रूरियात पूरी करने के बाद हम दूसरे देशों को भी ये बेच सकते हैं, तो उससे भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जब यह वहाँ पे माइनिंग होगी तो जम्मू और कश्मीर के लोगों को, वहाँ के लोगों को भी जॉब्स मिलेगी, तो इकोनॉमी में भी ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और क्लीन एनर्जी की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमारा फ़ायदा ही है, और इससे हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसकी भी कॉस्ट बहुत ही इतनी ज़्यादा तो कम नहीं होगी, लेकिन जो बैटरीज पे हम बाहर के देशों पे निर्भर रहते थे और महंगी पड़ती थी और इंपोर्ट ड्यूटीज भी लगती थी, तो वो नहीं लगी तो कुछ उसके भी दाम कम होंगे, तो कस्टमर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। और भी सारी कई सारे फोन्स और टॉयज वगैरह सब में भी लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब चीज़ों के भी दाम कम हो सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया में ही उसको प्रोड्यूस करेंगे और फैक्ट्री लगेगी तो कई लोगों को जॉब भी मिलेगी। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।